विराट रोहित करेंगे ओडीआई से संन्यास का ऐलान, 13 मैच खेलने के बाद छोड़ देंगे क्रिकेट, बीसीसीआई का ये कैसा अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इन खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब इस फॉर्मेट को खेलने से मना कर दिया है। ये तीनों खिलाड़ी अब T20 क्रिकेट की बजाय टेस्ट और वनडे पर ध्यान देंगे। ऐसे में विराट कोहली, रोहित शर्मा क्या ये अब ODI से भी संन्यास लेने वाले हैं? 13 मैच खेलने के बाद ये ODI क्रिकेट को भी छोड़ देंगे, BCCI ने ये कैसा अल्टीमेटम दे दिया है? आइए पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। विराट रोहित करेंगे ODI से संन्यास का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए ढेर सारे रन बनाए हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली अब T20 क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस बीच लगातार लोगों के मन में यही सवाल है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं जल्दी ODI से भी तो संन्यास का ऐलान नहीं कर देंगे, क्या वो इस फॉर्मेट को छोड़ देंगे? ये लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए लोग मैदान पर पहुंचते हैं। ये दोनों भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज खिलाड़ी हैं और इन दोनों को क्रिकेट फैन देखने ही चाहते हैं और चाहते हैं कि ये दोनों क्रिकेट खेलते रहें। लेकिन अब जब ये दोनों T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो T20 क्रिकेट में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वनडे क्रिकेट में इन दोनों की अहमियत अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या रोहित और विराट वनडे क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान ना कर दें, 13 मैच खेलने के बाद छोड़ देंगे क्रिकेट। अब सवाल ये है कि क्या 13 मैच खेलने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI क्रिकेट छोड़ देंगे? अब इसके बारे में दरअसल मामला ये बनता है कि टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने की तैयारी करेगी और वो ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारतीय टीम चाहेगी कि पाकिस्तान में जाकर ये ट्रॉफी अपने नाम की जाए। और इस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को कुल मैच 13 वनडे मिलेंगे, जहां पर भारतीय टीम के लिए रोहित विराट खेलते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि टीम इंडिया अब ज़्यादातर T20 क्रिकेट ही खेलेगी या फिर टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, वो वनडे क्रिकेट कम खेलेगी। टीम इंडिया इस दौरान 6 ही वनडे मैच खेलेगी, जिसमें एक सीरीज वो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी जो 3 वनडे मैचों की होगी और एक सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी जो 3 वनडे मैचों की होगी। इसके बाद 7 मैच टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। तो टीम इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहती है, यानी कि कुल मिलाकर अब टीम इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी जीतने तक 13 वनडे मैच है और ये 13 वनडे मैच टीम इंडिया अगर खेलेगी और इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी तो टीम इंडिया को बड़ा फायदा होगा, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। लेकिन ये 13 मैच रोहित विराट के लिए कहीं आखिरी 13 वनडे मैच तो नहीं होंगे? क्या इसके बाद रोहित विराट वनडे क्रिकेट को तो अलविदा नहीं कह देंगे, क्योंकि हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप जीतते ही इन खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उसके बाद कहीं ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वनडे क्रिकेट को तो अलविदा नहीं कह देंगे, क्योंकि भविष्य में वनडे क्रिकेट कम खेला जाएगा और सीधे या तो चैंपियंस ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। और विराट रोहित की जिस तरीके से उम्र है, ये एक एक कर हर फॉर्मेट को छोड़ना चाहते हैं और आखिरकार टेस्ट क्रिकेट पर अपना सारे ध्यान लगाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं 13 मैच खेलने के बाद ये दोनों अब वनडे क्रिकेट को तो अलविदा नहीं कह देंगे, BCCI का ये कैसा अल्टीमेटम? अब सवाल यह है कि BCCI कहीं अल्टीमेटम तो नहीं दे देगा कि आप वनडे में आइए और टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताइए और उसके बाद भविष्य में युवाओं की नई टीम तैयार की जाएगी जो 2027 ODI वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि 2027 ODI वर्ल्ड कप अभी दूर है और उसमें 3 साल बाकी है और 3 साल में क्रिकेट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो कहीं टीम इंडिया के ये दो दिग्गज खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी तक ही अपने वनडे क्रिकेट को तो नहीं देख रही, एक बड़ा सवाल है और लोगों को डरा रहा है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।